88,000 ऋषि वहां विराजमान है और उनके बीच में श्री सूत जी कहने जा रहे हैं। अब उसी कथा को सुनाऊं जो सुनी और जिसके महत्व को नारद जी ने जो कथा अपने पिता ब्रह्मा से सुनी और महत्व को श्री सनकादियों से सुना। तो सौनक जी ने जिज्ञासा की कि नारद एक ऐसा संत है महाराज जो कभी एक जगह टिकने वाला नहीं है, और एक है दूसरी ओर सनकादि जो ज्यादा घूमने फिरने वाले नहीं है। ऐसे बिरले संतों का समागम होता कैसे है ये बताने की कृपा करें। और तब वहां बताया जाता है कि एक बार नारद जी महाराज सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गए हैं। आइए महात्म की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। सनकादियों और नारद की भेंट होती है बद्रिका आश्रम में, जहां नारद खिन्न मन से बैठे थे और जब सनकादि पहुंचे तो देख करके पूछने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन, आपका मुखमंडल इतना दीन क्यों? अरे नारद जैसा संत जिसका नाम मात्र सुन लेने मात्र से मनुष्य के हृदय पर मुख पर प्रसन्नता के भाव आ जाएं, ऐसा नारद आज खिन्न लग रहा है, कारण? और इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हैं? नारद के हृदय में बहुत बड़ी चिंता है प्यारे। उस चिंता को आज लगा कि सनकादि आ गए हैं तो क्या समाधान हो जाएगा, ऐसा विचार करते हुए और अपनी चिंता की जितनी बातें थी सब बता दी। मैं पृथ्वी पर आया, सर्वोत्तम लोक समझा, कहां कहां गया, पुष्करम च प्रयागम चकासीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम, हर जगह पर मैं गया परंतु कहीं पर भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिली। घूमते घूमते मैंने देखा क्या पृथ्वी पर, ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा। तीर्थों में गया, बहुत नाम सुना था पृथ्वी का, और यह पृथ्वी ऐसी है जहां देवता आने के लिए भी ललायत रहते हैं। और क्यों, किस रूप में? कि मनुष्य के रूप में जाएंगे तो भजन कर पाएंगे। स्वर्ग किसी को मिल जाए और स्वर्ग मिलने के बाद में जैसे जैसे वो पुण्य फल क्षीण होते हैं, जब पूर्णतया क्षीण हो जाएंगे तो ये जीव पुनः इसी धरती पर आ जाएगा। ये सब देखने के सुनने के बाद मैं पृथ्वी पर आया, मुझे देखने को नहीं मिला जो कि मैंने सुना। गृहस्थी की स्थिति मैंने क्या देखी, कन्याओं का लोग विक्रय कर रहे हैं, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। ऐसी स्थिति देखने के बाद मैं और आगे बढ़ा, तीर्थों में गया। तीर्थों में ना तो कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है। ज्ञानी है तो कौन से ब्रह्म ज्ञानी? उत्तरकांड में कहा गया है कलयुग में ब्रह्म ज्ञानी के नीचे कोई होगा ही नहीं। और कैसे ब्रह्म ज्ञानी है? अपनी समझ है नहीं और दूसरे की समझने की क्षमता नहीं है। अपनी समझ है नहीं और कोई सामने अगर अच्छी बात समझाए तो वो इतने बड़े ज्ञानी हो जाते हैं कि उतना प्रवचन वो पलट करके आपको ही दे देंगे। ये कलयुग के जीवों की स्थिति हो गई है। और मैं तो ये कहती हूँ, मेरी व्यास और मेरे मनोविचार कहते हैं कि भागवत कथाओं के माध्यम से आप किसी को समझाएं। अगर आपको कोई कुमार्ग पे लग रहा हो और अगर एक दो बार समझाने के बाद ना समझे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद कर लेना कि हुई है सोई जो राम रची राखा। ज्यादा ज्ञानियों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी प्राप्ति करनी है तो ज्ञानी मत बनो। उद्धव का ज्ञान एक किनारे धरा का धरा रह गया था और बाद में वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणुम भीक्षण शाह,
ब्रज की जितनी गोपियां हैं श्रीमद् भागवत की परम ज्ञानी परम साध्वी, ये गोपियां जो कृष्ण को कड़कड़ में देखती हैं, उनके चरण रज को माथे लगा करके वो ब्रह्म ज्ञानी उद्धव चला कि मेरा ज्ञान इनके प्रेम के आगे कहीं कुछ भी नहीं है। और ज्ञान बहुत हो और प्रेम का संपुट ना लगा हो तो उद्धव जैसा भी ज्ञानी होगा तो उसे कृष्ण कृपा मिलने वाली नहीं है। ये सब देखता हुआ मैं घूमता घूमता और पहुंचा कहां, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज भूमि में। आइए, जहां आज भी मेरा कृष्ण निवास करता है। और आज यहां तो अपने आश्रम से हमारे भैया, हमारी मैयाएं और हमारी मैया जी सब लोग 3 मार्च से 9 मार्च तक जो भक्त वृंदावन गए होंगे वहां का खूब आनंद भी लिए हैं। तो आइए हम सब मिलकर के वृंदावन की भूमि पर आज तन से नहीं मन से टेकनार में बैठे बैठे ही अनुभव करें कि हम कहां हैं, वृंदावन में। आइए वृंदावन में बैठ करके और भगवान के नाम पर बिकने को भी तैयार हो जाओ, दुनिया के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए। हमने अपने आप को बहुत बेचा। कैसे? सुबह से निकलते शाम तक। देखो, एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक गधा था ना, उसने जीवन भर अपने मालिक के यहाँ समस्त सामग्रियों को ढोया, लेकिन मालिक ने जीवन पर्यंत उसे दंडों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। हम मनुष्यों की स्थिति ऐसी है, बचपन से थोड़ा जब हम बड़े होते हैं तो सब गधे की तरह हम जीवन भर कुटुंब, परिवार, समाज, इन सब के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ हमें मिलता क्या है, केवल डंडे। डंडे मतलब स्थूलता के नहीं, कुछ स्वरूप बदल जाता है। अहंकार, कपट, धोखा, यही तो मिलता है वृंदावन यमुना मैया के पावन पवित्र तट पर। श्री नारद पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य दिखता है। एक स्त्री है, विलाप कर रही है, ज्ञान वैराग्य जो उसके पुत्र हैं, अचेतन अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति, ज्ञान वैराग्य जिनको नारद नहीं जानते हैं और दूर से विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, यह स्त्री कौन है? ये दोनों पुरुष जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, ये कौन है? विचार करते कोई उन्हें बताता, उससे पहले ही उस स्त्री ने जैसे ही संत कोई और देखा तो वही दूर से आवाज लगाई, भो साधो, भो साधो, क्षण तिष्ठ, भो साधो, क्षण तिष्ठ, मत चिंता मपि नाशय, हे साधो, दो पल के लिए यही ठहर जाओ और मेरी समस्त चिंताओं का नाश कर दो। क्योंकि कहा जाता है संत का तो दर्शन मात्र ही कल्याणकारी हो जाता है, और मैं जिस दुख की अवस्था में हूँ, स्थित में हूँ, उसमें आप जैसे संत का दर्शन, आप रुके और जरा मेरे इस दुख को दूर कर गए। नारद जी ने उस देवी से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तब उस देवी ने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। और ये जो दो पुरुष आप देख रहे हैं अचेतन अवस्था में जो हैं, वो कौन हैं? इमो में तनयो मातो,
तो मेरे ही पुत्र हैं, मेरे तनय हैं। इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से ये ऐसी जर्जर अवस्था में आ गए हैं। ये जितनी स्त्रियां आप देख रहे हैं जो मुझे सांत्वना प्रदान कर रही हैं, पंखा जल रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। जो स्थिति मेरे पुत्रों की है वही स्थिति मेरी भी थी, लेकिन वहां घूमते 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 क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जब मैं वृंदावन के संयोग में आई तो यहाँ आने के बाद तो मेरी तरुणा अवस्था पुनः मुझे वापस मिल गई, लेकिन मेरे पुत्रों में अभी तक चेतना नहीं आई। तो हे साधो, आप ठहरे हैं, रुके हैं, तो कुछ ऐसी कृपा कर दो ना कि मेरे पुत्रों में भी चेतना आ जाए। और ये कली का जो काल योगेन जर्जरो, कली के प्रभाव से जो मेरे पुत्र जर्जर हुए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि परब्रह्म परमात्मा कृष्ण को तो पता ही होगा कि इस कलयुग में कितने दोष हैं। और फिर परीक्षित को जब कलयुग मिल जाता है, ये कलिकाल मिल जाता है, तो सामने मिलने के बाद भी उन्होंने ये कलयुग को छोड़ा क्यों? उसी समय मार क्यों नहीं दिया? जिस कलिकाल में, जिस कलयुग में मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक अभी मिल नहीं रहे हैं। आज नारद जी ने कहा, देवी तू तो वो है, कौन वो भक्ति है जिसके बुलाने पर तेरे तुझे जो एक बार हृदय पे धारण कर ले और फिर गोविंद को बुलाए, तो तेरे बुलाने पर तो भगवान किसी के यहाँ भी जाने को तैयार हो जाते हैं। सबरी के यहाँ गीत गजामिल गणिका सबको भगवान ने, अजामिल के यहाँ भी भगवान ने नाम मात्र से ही तो भक्ति के कारण अजामिल को तार दिया। और इसके बाद तू इतनी प्रिय होने के बाद गोविंद को तू चिंता क्यों करती है? ये कष्ट है, ये दुख है, मैं इसका निवारण करूंगा। और आज नारद जी ने एक वचन दे दिया, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझ में कोई त्रास नहीं, और जो मैं ऐसा ना कर सका तो श्री हरि का सच्चा दास नहीं। दास का पद सबसे ऊंचा होता है। आज नारद ने भक्ति की प्रतिष्ठा घर घर में कराने के लिए अपने दास के पद को भी दांव पे लगा दिया। और फिर वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मुह, वेद वेदांत गीता का बारंबार पाठ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे उठे और बीच में थोड़ा सा उठे और फिर जमाई लेकर के पहले की तरह ही उसी अवस्था में हो जाए, उसी स्थिति में हो जाए। नारद बड़े चिंतित अवस्था में बैठे हैं, समझ नहीं आ रहे क्या किया जाए। गीता का पाठ नहीं काम कर रहा है, वेद वेदांत भी काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर चिंता की अवस्था में बैठने के बाद अचानक आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और इतना कह के वो व्योमवाणी शांत हो गई। सत्कर्मों में तो बहुत से सत्कर्म आते हैं, लेकिन इनके तरण तारण के लिए कौन सा सत्कर्म किया जाए ये नारद को किसी ने साफ साफ नहीं बताया। तो नारद वहां से चले और जितने भी संत जन मिल रहे सबसे पूछते हुए जा रहे हैं,
और लेकिन हताश और निराश हो करके जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो थक हार करके चलते चलते नारद पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम में। बद्री का आश्रम में जब पहुंचे और वहीं ये सनकादि मिलते हैं और पूरी कथा सुनाने के बाद, हे सनकादियों, जो आपने मुझसे पूछा कि मेरी चिंता का कारण क्या है, तो मेरी चिंता का यही कारण है जो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। अब अगर आपको पता हो कि ज्ञान और वैराग्य की जर्जरा अवस्था कैसे दूर होगी तो आप जरा वो साधन बताएं। और तब सनकादियों ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, समझिए आपकी चिंता का समाधान अपने आप हो गया। मतलब आपने वेद वेदांत गीता सबका पाठ सुना दिया ना, एक बार हमारे कहने से ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत से इनकी मुक्ति हो जाएगी। जरा श्रीमद् भागवत का पाठ उनको सुनवा दीजिए, पाठ सुनवा दीजिए महाराज। अच्छा, वेद वेदांत गीता जब कुछ काम ना कर पाई तो ये भागवत में ऐसा क्या है? नारद जैसा संत भी व्यंग की हंसी हंस दिया। तब सनकादि बताते हैं कि आम के वृक्ष का उदाहरण, कि आम के वृक्ष में जल भी है, शाखाएं भी हैं, लता पत्रादि भी हैं और फल भी है, जड़, शाखाएं, लता पत्रादि और फल। लेकिन अगर किसी को आम का रस लेना है तो क्या लेगा? शाखाओं को लेगा, पत्तों को लेगा या जड़ को लेगा? क्या लेगा? फल। और जड़ के समेत यदि वो आम का वृक्ष उखाड़ भी दे तो क्या होगा? आगे से फिर आम का फल मिलने वाला नहीं है, जब वृक्ष को ही उखाड़ देंगे। नारद जी ने कहा, कहना क्या चाह रहे हैं? बोले इतना ही कि ये जितने भी हैं वो सब वेद वेदांत गीता इत्यादि, ये जड़, शाखाएं, लता पत्रादि सब कुछ हैं, लेकिन ये फल नहीं है। तो फल क्या है? फल केवल और केवल श्रीमद् भागवत है। कोई कहे घृत की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, तो घी बना किस वस्तु से है? दूध से। और कोई ज्ञानी कह दे कि बना है दूध से तो घी बनाने की क्या आवश्यकता है? दो लोटा दूध लेके जाओ हवन कुंड में डालो, घी डालने की क्या आवश्यकता है? तो आप बताओ जरा, घी डालने से अग्नि जलती है और बढ़ती है, लेकिन उसी स्थान पे दूध डाल दो तो क्या होगा? वो वहीं शांत हो जाएगी। तात्पर्य, जो घी है वो सार है, वो निचोड़ है। और अपने हृदय में यदि भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव करना है तो हमें भी जो सार है, जो निचोड़ है, उसको लेना होगा। और निचोड़ है भागवत। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अब इस कथा को कहेगा कौन महाराज? तो कहने के लिए मैं किसी और को खोजने नहीं जाऊंगा, आपने बताया है, आप ही कथा कह दीजिए। सनकादियों से प्रार्थना की, अब कथा कही कहां जाए, ये भी बात है। बात कहां हो रही है? बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, जो थोड़ी ऊंचाई पर है। और जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो वो ज्यादा ऊंचाई पे जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा? कथा ऐसे स्थान पे होनी चाहिए जो सबको सरलता और सुगमता से सुनने को मिल जाए। तो बद्रीनाथ धाम से थोड़ा नीचे आए, और नीचे कहाँ आए? हरि के द्वार, हरिद्वार में। और हरिद्वार का गंगा का तट, वहीं पे सनकादियों का वो सुंदर आसन लग गया है, व्यास आसन लगा है। मुख्य जजमान के रूप में नारद सामने विराजमान हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति को निमंत्रित कर दिया गया है सूक्ष्म रूप में। और इतना सब कुछ होने के पश्चात कथा प्रारंभ हुई,
और एक 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 दिन करके 6 दिन जब कथा हुई और 7वें दिन जो ही कथा विराम लीना, सब कीर्तन कर रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब ये कीर्तन चल रहा था तो उसी के मध्य में एक आवाज आई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रहलाद जी, उद्धव जी, जितने भी संत जन हैं, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने शिष्यों सबके साथ में दौड़ते भागते हुए कथा में सब सम्मिलित हुए आकर के। और जब कथा का विराम हुआ तो अंतिम में सबने कीर्तन किया और ऐसा कीर्तन किया कि भक्ति मैया कीर्तन करने जब आई और ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, सबने नेत्र खोल करके जब इनको देखा, आवाज कानों में गई, सब मौन, कीर्तन एक साथ बंद कर दिया। ये कौन है? नारद जी ने बताया इन्हीं के कारण ही ये भागवत हुई। ये ऐसे जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे और ये भागवत के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की जर्जर अवस्था दूर हो गई। जैसे ही इस बात को संतों ने सुना, देखो जरा, हम भागवत कथा में रहते हैं तो हम भजन में, भक्ति में डूब करके अगर नृत्य भी करना हो तो पहले हम 1000 बार सोचते हैं, अगल बगल में देखेंगे, बड़ा मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन भगवत कथा में प्रहलाद जी, उद्धव जी, हमारे जितने संत हैं, कोई करताल लिए, कोई वीणा लिए, कोई मंजीरा लिए है और सब नृत्य करते हुए गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं। और तब हमारे संतों ने कहा, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जरा मन को वृंदावन बना करके हम भी गाएं। और बिहारी जी से आज कहो कि अभी इतनी देर क्यों लग रही है? जलवा दिखाने वाले तुम्हारे रुख पे नकाब क्यों है? जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों है? और उस गरिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों है? जब गीत गड़िका से आपने कुछ नहीं पूछा गोविंद, उन्हें भव से पार कर दिया तो हमारे लिए इतनी देर क्यों? परम ब्रह्म परमात्मा गोलोक धाम से चल दिए और सरकार राधा रानी को कह दिए, राधे शीघ्र चलो, मेरा ऐसा कीर्तन, मेरा ऐसा भजन हो रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पर अकेले नहीं, किशोरी राधा रानी सरकार के साथ मेरा गोविंद चला। और जब इन्होंने कीर्तन बंद किया, किन्होंने? जो कीर्तन गा रहे थे, जो भक्तजन, नेत्र खोले तो परब्रह्म परमात्मा सामने है, जिसकी कथा हम आप सुन रहे हैं, वो परमात्मा कथा के मध्य या कथा श्रवण के पश्चात अगर कहीं नजर आ जाए तो मनुष्य की स्थिति क्या हो? बावले होकर के हम क्या करेंगे पता नहीं चलेगा। आज वैसा ही कुछ वहां हुआ, वैसा ही कुछ वहां हुआ, सब बावले हो गए। परमात्मा को देख करके सभी के नेत्रों से आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा। कथा को सुनने के बाद और कथा में डूबने के बाद जब कभी तुम्हारे नेत्रों से आंसू निकल पड़े ना, तो ही समझना कि मन के मैल को धोने के लिए अब गोविंद ने ये जल की व्यवस्था कर दी है। और कथा सुनने की पद्धत भी यही है कि कथा सुनते सुनते जब हम रोए ना, कहते और सुनते
और केवल इसलिए रोए कि पीछे का जो हमारा जीवन है, अभी तक प्रभु आपकी ये कथा, अभी तक आपके ये गुणानुवाद हमें क्यों नहीं मिले, हम वंचित क्यों रह गए। आपके गुणों को सुने बिना, आपके कीर्तन को गाए बिना हमारा जितना समय बीता वो सबका सब तो निरर्थक ही गया है। यह सोचकर कि जीव रो पड़े, आज वहां परमात्मा को देख करके नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह चली। भगवान कहते हैं गाओ ना, बंद क्यों किया और गाओ। कीर्तन फिर हुआ, भगवान ने भक्तों के साथ में नृत्य किया है और फिर कहा अद्भुत अद्भुत आपने कथा सुनी। हम जिस समय भगवान के ध्यान में लीन होकर के और प्रभु के लिए कुछ गाए ना, तो ब्रज चलकर के स्वतः ही यहाँ आ जाएगा। ब्रज जाने के लिए हमें यत्न करना नहीं पड़ेगा। और ये प्रमाण देती है यह कथा कि जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य को कथा सुनानी थी तो वृंदावन का यमुना का तट नहीं है, वो क्या है, हरिद्वार का गंगा का तट। वृंदावन में कथा नहीं हुई और हरिद्वार में आज वो गंगा का तट बन गया है, पूर्णतया वृंदावन। इसका मतलब मानो गोविंद कह रहे हो कि मेरी प्राप्ति यदि करनी है तो तुम्हें भागने की कहीं आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यदि भागोगे ना तो भाग के जाओगे कहां कहां, क्योंकि अंदर के ये बैरियों को तुमने तो अंदर ही पाल रखा है। वृंदावन आने के बाद भी ये तुम्हें मुझ तक पहुंचने नहीं देंगे, इसलिए अपने आप को साधो साधो। यह जग राम बगीचा, ये तो भगवान का लगाया हुआ एक बगीचा है। ये जितना संसार हम आप देख रहे हैं ये भगवान का लगाया हुआ बगीचा है और इसमें भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं। देखना हमें और आपको है कि हम कौन सा पुष्प लेते हैं, गुलाब का फूल लेते हैं या कि हमारा हाथ गुलाब के कांटों तक जाता है। और उन संतों की तरह यदि फूल चुनेंगे तो भगवान नाम का फूल जब हम चुनेंगे इस संसार में आके, तो एक दिन भगवान हमारे सामने आएंगे। इसमें कहीं कोई संशय या कहीं कोई संदेह नहीं है। भगवान को देख करके आज जो रुदन हुआ गंगा के तट पे, आज ये देख करके लगता है कि ये माता पिता मित्र भाई सगे संबंधी जितने संबंध हैं वो भजन है ना, बेटा भी हक निभाएगा तो बस अग्निदान तक। भगवान ने कहा मांगो, जो इच्छा हो मांग लो। आज भक्त कहते प्रभु आप आ गए हैं अब क्या मांगे। ये भागवत की कथा सुनना भी तो सार्थक हो गया, क्या कहें भक्ति मैया ने कहा प्रभु कथा हमने सुनी है, अब जरा हमारे रहने के लिए वो स्थान बता दिया जाए। भगवान ने कहा मेरे भक्तों का हृदय तेरे लिए ये स्थान खोजने की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे भक्तों का हृदय ही तेरा घर है, तेरा मंदिर है। आज जैसे इस कथा के विराम में मैंने आप सभी को यहाँ आकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, वैसे ही
जहां जहां मेरी कथा होगी, कथा के विराम में मैं ऐसे ही किसी ना किसी रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। लेकिन सुनिए, दर्शन उसी को होता है जो प्रहलाद उद्धव भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की तरह कथा को सुनता है। नहीं तो हमारे जीवन में कितनी बार भगवान आते हैं और कितनी बार चले जाते हैं, और हम अपने भीतर के मद अभिमान इत्यादि चीजों के कारण उनको पहचान नहीं पाते। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और उसके पश्चात नारद जी अद्भुत ये महिमा देखने के बाद श्रीमद् भागवत कथा की पूछ बैठे कि मैं जानना चाहता हूं सनकादियों, इस कथा से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। तो वहां बताते हैं, यो मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कामी है, माता पिता का अपमान करने वाला है, ये समस्त पाप करने के बाद भी यदि किसी ने श्रीमद् भागवत की कथा को एक बार हृदय से श्रवण कर लिया तो वो भी इस भवसागर को पार कर जाता है।